क्योंकि हमने देखा कि निफ्टी के कंपैरिजन में मेटल इंडेक्स ने अब तक अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये जो ताजा रैली आई है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्लोबल सिनेरियोस पर आपको एक थोड़ी सी ग्रीन शूट्स या फिर विजिबिलिटी दिखती है, जिसके चलते एक दो दिन आपको इनफैक्ट पिछले हफ्ते से मेटल्स में एक चाल दिखनी शुरू हुई, लेकिन अभी व्यू क्या बन रहा है मेटल्स पर, ट्रेड बनता क्या है, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग रेंज में ही रहेंगे या फिर यहाँ कन्विक्शन थोड़ी बदलेगी भी? देखिए, ऐसा है कि इनिशियली तो अभी लग रहा है कि मार्केट में एक रोटेशन सा चल रहा है, क्योंकि दूसरे कुछ सेक्टर थक गए हैं, तो जो सेक्टर नहीं चले हैं उनके ऊपर इन्वेस्टर्स का फोकस है, तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर उसी दौर से गुजर रहा है। बट इसके साथ में ऑब्वियसली कुछ कहानी तो होनी चाहिए, तो चाइना की स्टिमुलस की कहानी चल रही है, और जहां तक ऑन द ग्राउंड का सवाल है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी कमोडिटी प्राइसेस को लेकर, क्योंकि चाइना अभी तक मॉनेटरी स्टिमुलस दे रहा है, और मॉनेटरी स्टिमुलस से जो मेन दो ड्राइवर है कमोडिटीज के, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इतना कोई बढ़ोतरी होती नहीं है, केवल ये कंजम्पशन लेड रिकवरी रहती है मॉनेटरी स्टिमुलस से। तो चाइना को अपने हाउसिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस करने होंगे, तभी जाके कुछ तेजी बनेगी। और अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि चाइना 3% फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा जाने का इच्छुक नहीं रहता है, तो अभी 3% के आसपास ही है, तो एक तो पहली उनको ये हर्डल पार करनी है कि वो 3% फिस्कल डेफिसिट से ऊपर चले जाए, और दूसरा हर्डल उनका हाउसिंग सेक्टर में, क्योंकि अभी तक वो कहते आए हैं कि हाउसेस जो है तो रहने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, तो अभी भी काफी एक बबल जैसा बना हुआ है हाउसिंग सेक्टर में चाइना में। तो क्या गवर्नमेंट अपनी जो नीतियां लेके आई थी पिछले 2-4 साल में उसको भूल जाएगी इकोनॉमिक पर सपोर्ट करने के लिए? तो ये दो बड़े हर्डल हैं, और अभी फिलहाल ग्राउंड पे देख के कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों को वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोकस केवल मॉनेटरी स्टिमुलस पे है, तो मुझे नहीं लगता कि कमोडिटी में कोई खास तेजी आने वाली है। और ये देखते हुए कि डेवलप्ड इकोनॉमीज थोड़ा रिसेशन की तरफ जा रही है, और इवन इंडियन इकोनॉमी भी सेकेंड हाफ में स्लोअर ग्रो करेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ, तो मेरे को इतना नहीं लगता कि कोई सस्टेन रैली होने वाली है। छोटा मोटा बाउंस जरूर हो सकता है मार्केट में, क्योंकि रोटेशन हो रहा है सेक्टर्स। राकेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। हम मेटल की चुकी चर्चा कर रहे हैं और चाइना वाला जो एक टेंशन है वो बरकरार है, लेकिन क्या मेटल एज अ पैक हम पूरा सबको एक साथ ही देखें या फिर मेटल में बांट लें, फेरस को नॉन फेरस को अलग कर लें या फिर इंडस्ट्रियल मेटल से उनको थोड़ा अलग करके देखें, व्यू क्या एक ही होगा या फिर थोड़ा सा सेगमेंटेड व्यू ले सकते हैं इसमें? देखिए, अगर थोड़ा सा लंबा अवधि का व्यू लेते हैं तो जो थीम चल रही है वो है रिन्यूएबल थीम, और उसके अंदर बेस मेटल्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कॉपर और इंडाल्को, कॉपर और सॉरी एल्युमिनियम, तो ये दो मेटल हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में ज्यादा तेजी रह सकती है, और यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स भी लो है। तो आई थिंक अगर नॉन फेरस की तरफ अपन पोजीशन बनाएंगे, अगर इसको खेलना भी है, तो वो फेरस से बेटर रहेगा।